हमारे देश को बहुत सारी चीज़ों की तरह मेयोनीज भी विदेश की देन है। आजकल लोग मेयोनीज हर चीज़ पे पसंद करते हैं, फ्रेंच फ्राइज से लेके मोमोज से लेकर परांठों तक। मेयोनीज अपने आप में एक अनहेल्दी प्रोडक्ट नहीं है, उसको बनाने के लिए किन इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए आज की जो रेसिपी है हम उसमें आपको दिखाएंगे कि कैसे हेल्दी इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करते हुए आप मेयोनीज घर में बना सकते हैं। तो चलिए ये रेसिपी देखते हैं। इस रेसिपी के लिए ले रहे हैं हम 250 ml मूंगफली का बना हुआ दूध, आधा कप नारियल का तेल, आप चाहें तो ऑलिव ऑयल भी यूज कर सकते हैं, 1 से 1.5 चम्मच येलो मस्टर्ड, 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस, 1 छोटा चम्मच चीनी का, 1 छोटा चम्मच नमक। अगर आप साबुत राई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो चलिए सबसे पहले इसको ग्राइंड कर लेते हैं। मेयोनीज बनाने के लिए चलिए सबसे पहले दूध को मिक्सी में डालते हैं। सबसे पहले हम इसमें 250 ml दूध डालेंगे और 1 कप कोकोनट ऑयल। अब इन दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि जो ऑयल है और जो दूध है वो आपस में अच्छी तरह से मिल जाएं। इन दोनों चीज़ों को हम लोएस्ट सेटिंग पे ब्लेंड करना शुरू करेंगे और धीरे धीरे हाईएस्ट सेटिंग पे जाएंगे। हमने लगभग इसे 1 से 2 मिनट तक हाईएस्ट सेटिंग पे ब्लेंड किया है और एक बार उसे चेक कर लीजिए कि इसमें कोई ऑयल रह नहीं गया, दूध और ऑयल अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अभी आप देख सकते हैं कि मेयोनीज अभी बहुत पतली है। ये रेसिपी बनाते हुए आप 2 बातों का खास तौर पे ध्यान रखिएगा। एक तो ये कि इस रेसिपी में हमने जो आपको इंग्रेडिएंट्स बताए हैं और उसकी जो मात्रा बताई है वो बिल्कुल सेम हो, स्पेशली दूध और ऑयल की। दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि ऑयल और दूध का टेम्परेचर बिल्कुल सेम हो। इसीलिए जो अभी हमने दूध और ऑयल इकट्ठे ब्लेंड किया है हम उसे फ्रीज़र में लगभग 1/2 घंटे के लिए रखेंगे। हमने इस मिक्सचर को एक बारी और ब्लेंड करना है 1/2 घंटे बाद, तो इसीलिए मैं सेम मिक्सी के जार में ही इसको फ्रीज कर रही हूँ। ये जार लगभग 1/2 घंटे के लिए फ्रीज़र में था, तो चलिए अब इसको ब्लेंड करते हैं बाकी इंग्रेडिएंट्स के साथ। सबसे पहले हम इसमें चीनी डाल रहे हैं और ये ऑप्शनल है, मुझे ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है तो मैं चीनी स्किप कर देती हूँ। फिर डालेंगे हम लेमन जूस, राई पाउडर और नमक। अगर घर पे आपके मस्टर्ड सॉस है तो आप राई की जगह उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम लगभग 2 से 4 मिनट तक फिर ब्लेंड करेंगे। ये मेयोनीज हो गई है तैयार और आप देख सकते हैं कि इसकी एक पीक बन रही है, जिसका मतलब है कि ये सॉफ्ट है और फ्लफी है। एक और चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी वो ये कि मेयो बनाते हुए अगर आपने ऑलिव ऑयल की जगह कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल किया है और बचे हुए मेयो को आपको स्टोर करना पड़ा है फ्रिज में, तो वो सॉलिड हो जाएगी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेयो ख़राब हो गई है या उसे आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप दोबारा से उसे 2 मिनट ब्लेंड करिए, वो वैसे ही फ्लफी और सॉफ्ट हो जाएगी।